हरे कृष्ण। एक बार एक बच्चा था, बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लिया। ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पिता ये चिंतित रहते थे कि क्या इसको कभी पैसे की कीमत पता लगेगी, क्या इसको गरीबी क्या होती है कभी पता लगेगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो ये पिता अपने बच्चे को लेके गांव चला गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन गांव में रहने के बाद लगभग एक सप्ताह गांव से वापस आ रहे थे। तो अपने पुत्र की कंधे पे हाथ रख के पूछने लगा, बेटा कैसा रहा आपका ट्रिप? डिड यू एंजॉय? हाउ वॉज द ट्रिप? बेटा बोला, पापा इट वॉज अमेजिंग। आगे पिता ने बोला कि थोड़ा और बताओ, वाई इट वॉज अमेजिंग, क्यों ऐसा कह रहे हो, थोड़ा डिटेल में बताओ। बेटा कहने लगा, पापा मैंने जाना कि हमारे पास एक पेट डॉग है और उनके पास 20। हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास जहां तक आंख जाती है उतनी दूर फील्ड्स। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और उनके पास एक ऐसी नदी है जिसका दूसरा छोर दिखता नहीं। हमारे पास बालकनी है और उनके पास पूरा होराइजन। हमारे पास कुछ बहुत एक्सपेंसिव लाइट्स हैं और उनके पास मोस्ट वैल्यूएबल सन, मून और स्टार्स हैं। पिता ये सब बातें सुन के स्टन रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। बेटा बोलता है, थैंक यू पापा ये बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं, ये बताने के लिए कि वो हमसे कितने अमीर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन लाइफ, आवर लाइफ, मैनी टाइम्स रियल हैप्पीनेस, रियल ट्रूथ, रियल सेटिस्फैक्शन, वी स्टार्ट थिंकिंग दैट we will get all these in the possessions that we will accumulate. Sachcha possession, sachchi wealth, sachchi satisfaction un cheezon mein nahi, jabki sachchi wealth hai rishton mein. The kind of love that you get from the relationships, the kind of warmth that these relationship brings to our life, this is real richness. Instead of locking yourself in small rooms of possessions and things and material, let's open up to the world. And in that sense, the entire world would belong to us. ये सारा संसार हमारा होगा और हम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति। हरे कृष्ण।